बाबा गोरक्षनाथ धाम में पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमारे साथ है द्वारका तिवारी जी, सेवक है मंदिर के। क्या क्या वो बड़े परिवर्तन हुए हैं मंदिर प्रांगण में पिछले कुछ वर्षों में? बड़े परिवर्तन का मतलब जो पुराने मंदिर हो गए थे उनको मंदिर की ओर से बनाया जा रहा है, या और भी नए जो आवश्यकता, आज जो हमारे यहाँ जो भंडारा चलता है करीब 1500 डेली दोनों समय का भोजन करते हैं, तो जगह पुराना भंडारा था उसको बनाया गया है, कम से कम 1000-2000 लोग बैठ करके भोजन कर सकें। गौशाला बनाया जा रहा है गऊओं के लिए, कि गौशाला में लगभग 400-500 गाय हैं तो उनके लिए भी बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आते हैं पहले के और अभी के किरदार में कोई अंतर जब वो मठ में आते हैं तब? नहीं, अंतर क्या हो, तो पहले से अपनी उनकी दिनचर्या बनी हुई है, पहले से उनका कार्य क्षेत्र बना हुआ है। पहले से महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने ही जो है दिग्विजयनाथ जी महाराज के समय से व्यवस्थाएँ बनी हुई, उसी व्यवस्था को लेकर के योगी आज विस्तार करके चल रहे हैं और इसी पैटर्न पर पूरे प्रदेश का विकास कर रहे हैं। ऐसी कोई बात जो उन्होंने यहाँ की और अब राज्य में लागू की है? बस यहाँ का जो व्यवस्था पहले से, सफाई हो, स्वच्छता हो, शिक्षा के बारे में, ये सब चीज़ें पहले से यहाँ हैं। यहाँ लगभग 40 संस्थाएँ हैं। पहले से शिक्षा के बारे में विशेष ध्यान दिया जाता है, या पिछड़ा इलाका था, लेकिन शिक्षा के बल पर यहाँ सारे लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। विद्यालय है, पॉलिटेक्निक है, कई विद्यालय खुले हुए हैं, उनके माध्यम से शिक्षा का विस्तार किया जाए। चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय है, और भी GNM है, NM है, कई विद्यालय खोले जा रहे हैं ताकि चिकित्सा के बारे में भी लोगों का जो है स्वस्थ रह सके। स्वच्छता यहाँ पहले से ही है, यहाँ मंदिर परिसर में आप देख रहे हैं कितनी सफाई यहाँ बनी हुई है, ये सब चीज़ें पहले से यहाँ बनी हुई हैं। आज वही प्रदेश में लोगों को बता करके देखिए हमारे गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में किस तरह सफाई है, किस तरह स्वच्छता है, ये सब चीज़ें। बतौर सेवक आपका उनको आज क्या संदेश होगा इस बार के चुनाव के पहले, अगर आपको उन्हें कोई संदेश देना हो तो आप क्या देंगे? क्या संदेश देना, संदेश जनता सब जान ही रही है, आप सब लोग जान रहे हैं जो यहाँ हो रहा है, जो आप देख रहे हैं वही सब। ABP News आपको रखे आगे।